हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। यदि आपको किसी अन्य क्वेश्चन को याद करने और समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा और आपको याद भी कराऊँगा। चलिए तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हार्वर्ड कार्टर और का इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जाँच पड़ताल करना। जो हार्वर्ड कार्टर थे उनकी चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो बाज मतलब थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसी थी, रिसेंटेड मतलब होता है विरोध करना। उनकी इन्वेस्टिगेशन का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो बाय मतलब होता है क्यों किया गया था, और किस चीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो टुट राजा थे ना उनके शरीर की क्या कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है, कारण बताना है विरोध क्यों किया गया था। चलिए तो आंसर समझ लेते हैं। तो आंसर में क्या लिखा है, हार्वर्ड कार्टर, जो हार्वर्ड कार्टर थे ना वो कौन थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनकी विशेषता लिखी है, कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के थे, और क्या थे, इनका पद क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड मतलब होता है खोज की थी। अब किसकी खोज की थी, टुट्स के, टॉम की। टुट्स क्या है, राजा हैं, और टॉम मतलब क्या होता है, कब्र को बोलते हैं। तो टुट के राजा की कब्र की क्या की थी, खोज की थी, और कौन से सन में की थी, इन मतलब में 1920 मतलब 1922 में इन्होंने खोज की थी। तो पहली स्टेम बस इतना लिखा है, जो क्या लिखा है, हार्वर्ड कार्टर जो थे ना वो कहां के रहने वाले थे, ब्रिटिशर थे, वो ब्रिटिश के रहने वाले थे, और क्या थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड मतलब खोज की थी, किस चीज की खोज की थी, टुट्स के, टॉम के, टुट राजा के कब्र की खोज की, कौन सी सन में की थी, 1922 में की थी। चलिए तो सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो क्या लिखा है, हाउ एवर मतलब फिर भी, हिज इन्वेस्टिगेशन बाज रिसेंटेड, उनकी जो खोज थी ना उसका क्या किया गया था, रिसेंटेड मतलब होता है विरोध करना होता है, उनका विरोध किया गया था। तो बाय का आंसर किससे देते हैं, बिकॉज से, कारण बताना है तो कारण किससे बताए जाते हैं, बिकॉज से। इसलिए कहा बिकॉज मतलब क्योंकि, ही मतलब उन्होंने, यूज्ड मतलब होता है प्रयोग करना, उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, अनसाइंटिफिक मेथड का। कौन सी मेथड का, अनसाइंटिफिक मेथड का मतलब अवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया था, और काय के लिए प्रयोग किया था, टू कट मतलब, टू कट अवे, यहां पर एक फ्रेज वर्ब लगी है, टू कट अवे मतलब होता है निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, बॉडी को, कहां से, फ्रॉम मतलब से, कहां से, वुडन बेस, वुडन बेस मतलब लकड़ी के आधार से निकालने के लिए। तो क्या लिखा है सेकंड स्टेप में, ही यूज्ड, उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया था, किस चीज का प्रयोग किया था, तो लिखा है अनसाइंटिफिक मेथड का, अवैज्ञानिक तरीके का उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया था, काय के लिए, टू कट अवे मतलब निकालने के लिए, किसको, बॉडी को निकालने के लिए, और कहां से, फ्रॉम द वुडन बेस मतलब लकड़ी के आधार से उनकी बॉडी को, शरीर को निकालने के लिए किस तरीके का प्रयोग किया था, अवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया था, इसलिए उनके क्या किया गया था, उनकी जांच का विरोध किया गया था। ये क्या हो गया, पहला कारण हो गया। चलिए दूसरा कारण समझ लेते हैं। तो दूसरे कारण में क्या लिखा है, ही ऑल्सो मतलब और भी, फोकस्ड मतलब होता है ध्यान देना, उन्होंने ध्यान दिया, और कितना ध्यान दिया, मोर मतलब होता है ज्यादा ध्यान दिया था, ऑन मतलब पर, काय पर, डिस्कवरी मतलब होता खोज पर, और काय की खोज पर, ऑफ गोल्ड मतलब सोने की खोज पर क्या किया था, उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था। जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके कब्र में दफनाया गया था ना, तो किससे दफनाया गया था, सोने चांदी को डालकर क्या किया गया था, दफनाया गया था। जो हार्वर्ड कार्टर थे ना, तो उनकी वो शरीर की खोज तो कर रहे थे, मगर उन्होंने खोज करते करते किस पर फोकस किया, मोर मतलब ज्यादा फोकस किया, किस पर, ऑन द डिस्कवरी मतलब खोज पर, किसकी खोज पर, ऑफ गोल्ड, जो सोने चांदी थी ना उनके शरीर पर, उस पर ज्यादा उन्होंने क्या दिया, ध्यान दिया। और देन मतलब की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, फैसिनेट डिटेल्स की अपेक्षा, फैसिनेट मतलब होता दिलचस्प, डिल मतलब क्या होता है, जानकारी, दिलचस्प जानकारी की अपेक्षा, और किस चीज़ की दिलचस्पी जानकारी, टुट्स लाइफ मतलब राजा की जो जिंदगी थी उसकी दिलचस्प जानकारी की अपेक्षा। और दूसरी चीज़ उसमें और लिखी है क्या, मिस्ट्री मतलब रहस्य, ऑफ हिज डेथ, उनके मरने के रहस्य की अपेक्षा, और काय की, उनके जीवन की डिटेल की जानकारी की अपेक्षा। उन्होंने काय पर ध्यान दिया था, गोल्ड पर ध्यान दिया था। तो कितने कारण हो गए यहाँ पर, दो, दो कारण बताए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन का विरोध करने का। एक बार फिर देख लेते हैं। तो क्या
क्या है, ही यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, अनसाइंटिफिक मेथड का, अवैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया था, काय के लिए किया था, टू कट अभी मतलब निकालने के लिए, किसको, बॉडी को निकालने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम द वुडन बेस से निकालने के लिए, ये एक कारण हो गया। दूसरा क्या है, ही ऑल्सो फोकस, उन्होंने क्या किया, फोकस मतलब ध्यान दिया, किस पर, मोर मतलब ज़्यादा, काय पर, डिस्कवरी मतलब खोज पर, काय खोज पर, गोल्ड की, और किसकी अपेक्षा, दो दो यहाँ पर लिखी है जानकारी, काय की अपेक्षा, फैसिनेटिंग डिटेल्स, और काय की, टुट्स लाइफ की, और दूसरी चीज़ क्या लिखी है, मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, उनके मरने के रहस्य की।